हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRSC। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, देर इज़ अ पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। एक पेंटागनल शेप्ड पार्क है, ठीक है। पेंटागनल उसको कहते हैं जिसके पांच साइड्स हो। तो वैसी एक पार्क है, यहाँ पर मेजरमेंट कही गई है, यानी उसकी जो है टोटल लेंथ जो है वो 30 मीटर है, साइड्स की यहाँ पर दी गई है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया नुमा एंड मिसबा डिवाइडेड इट इंटू टू डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका एरिया निकालने के लिए दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है अपने हिसाब से जो है एरिया निकाला इसका, ठीक है, अलग अलग वेज से, डिफरेंट वेज से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से निकाला, क्या दोनों का एरिया सेम आ रहा है, ठीक है, किस तरीके से जो है एक ने अपने हिसाब से किया, दूसरे ने दूसरे हिसाब से किया, तो क्या दोनों का आंसर जो है सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर पहले हम देखेंगे नुमास डायग्राम। तो यहाँ पर जो है डायग्राम, इसमें क्या किया इसने, यहाँ पर इसने बीच में जो है बाइसेक्टर डाला, ठीक है, बाइसेक्टर डाला, जिसके ज़रिए से जो है ये वाला साइड जो है नीचे जो बेस है इसकी, ठीक है, इक्वली जो है वो डिवाइड हो गई। और यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। अगर जो है हम इसको ऐसे देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये हम बेस वन मानेंगे, ये बेस टू है बीच वाली, तो यहाँ पर जो है हाइट हमें बनेगी 15/2 मीटर, ठीक है, ये हमारी हाइट बनी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है बेस वन अगर ये मानेंगे हम, ठीक है, बेस वन जो है 15 मीटर है और बेस टू जो है वो कितनी है 30। ये हमें सब कुछ मिला। अब यहाँ पर फर्दर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दो ट्रपीजियम्स बन रहे हैं, यहाँ से एक ट्रपीजियम बन रहा है, यहाँ से दूसरा ट्रपीजियम बन रहा है, ठीक है, दो ट्रपीजियम्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू, इसका एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ ट्रपीजियम, यहाँ पर एक एरिया, यहाँ पर यानी दो ट्रपीजियम से ट्वाइस हमने लिखा, सो एरिया ऑफ ट्रपीजियम, एरिया ऑफ ट्रपीजियम, ठीक है, ऐसे। उसके बाद फर्दर यहाँ पर करेंगे इसको, यहाँ पर आएगा हमें टू इंटू, एरिया ऑफ ट्रपीजियम है हाफ ऑफ हाइट b1 + b2। उसके बाद यहाँ पर टू वन आर, यहाँ पर आ गया h b1 + b2, ठीक है। फर्दर इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमें हाइट जो है वो 15/2 है और यहाँ पर बेस वन 15 है, बेस टू जो है 30 है। उसके बाद फर्दर इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15/2, ये ऊपर जो है 45। उसके बाद इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर जो है इसको रफ़ करेंगे, जो हो गया 15 × 45, ठीक है, 5 × 5 = 25, 2 यहाँ पर चला गया, 5 × 5 और ये जो है 7 हो गया। उसके बाद 4 × 5 = 20, 2 यहाँ पर, 4 × 1 = 4, ये 6 हो गया, सो 6 × 7 = 5, तो यहाँ पर आ गया हमें 6। फर्दर यहाँ पर करेंगे 6 × 7 = 5/2, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर आएगा हमें 3 × 3 = 7.5 m². तो ये हमारा एरिया निकला यहाँ से। उसके बाद आप जो है इसके वे से जाएंगे, यहाँ पर जो है मिसबा इस तरीके से करती है, ये यहाँ पर इसको लाइन डाल रही है और ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये स्क्वायर बन रहा है, इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। अब यहाँ पर जो है पहले ट्रायंगल को देखेंगे, अगर यहाँ पर ट्रायंगल को देखेंगे, देखो यहाँ पर जो है अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है यानी हाइट ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक जो है 15 मीटर है, टोटल डिस्टेंस जो है वो यानी टोटल इसकी लेंथ जो है वो 30 मीटर है, 15 यहाँ तक हो गई तो 15 ये हो गया, ठीक है,
तो यहाँ पर जो है इसकी हाइट जो रहेंगी वो 15 मीटर है और बेस जो है ट्रायंगल की वो भी 15 रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है, ईस्ट साइड जो है स्क्वायर का अगर हम देखेंगे, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर वो किसके बराबर है, वो यहाँ पर 15 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे एरिया ऑफ पार्क वो किसके बराबर आएगा हमें, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और प्लस आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ ऑफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, प्लस ये हो गया साइड इन इनटू साइड। ठीक है, यहाँ पर है हाफ, बेस जो है 15 है और ये भी 15 है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें आएगा 15 इंटू 15, सो यहाँ पर आ गया 225 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर भी 225 डिवाइड सॉरी 225। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 117.5 प्लस 225, इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर 5, ये हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 7, तो ये 3, 3 तो मीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो है हमें ये आंसर निकला। तो दोनों जो हैं, दोनों का डिफरेंट वे है बट आंसर जो है दोनों का सेम आ रहा है, यही हमें जो है दिखाना था। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डाइमेंशंस। यहाँ पर जो है एक फ्रेम दिया गया है, ठीक है, तो इसमें फिट करनी है पिक्चर को। आउटर डाइमेंशंस दिए गए हैं 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। उसके बाद इनर डाइमेंशंस दिए गए हैं 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ई सेक्शन ऑफ द फ्रेम, हमें हर कोई सेक्शन फ्रेम का निकालना है। इफ़ द विड्थ ऑफ ई सेक्शन इज सेम, अगर विड्थ जो है हर किसी सेक्शन की सेम है। यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से पार्ट है ये, देखो यहाँ पर जो है हम देखेंगे टोटल लेंथ जो दी गई है इसकी, ठीक है, वो 28 सेंटीमीटर है यानी इसकी तो 28 है। ठीक है, बेसिकली ब्रेड्थ है तो ये जो है 28 सेंटीमीटर है और यहाँ से जो है इसकी लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अंदर जो है 20 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इनमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो, ठीक है, यानी बाकी जो है 20 में से 28 को अगर 20 माइनस करेंगे 20 सेंटीमीटर तो वहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो जो है वो इक्वली यहाँ पर इक्वल विड्थ कहा गया है तो यहाँ पर जो है ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पर जो है 24 सेंटीमीटर तो 24 को 16 काटेंगे 8 आ गया तो इक्वल विड्थ है तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर आएगा और यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर आएगा। तो बेसिकली जो है ये हमारी हाइट निकली यहाँ से। ठीक है, सो इजीली जो है अब यहाँ पर कर सकते हैं हम, इसको सेक्शन 1 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, इसको 3 रखेंगे और इसको 4 रखेंगे। 1 by 1 हम सब का निकालेंगे सो यहाँ पर जो है एरिया ऑफ सेक्शन
area of section 1, ठीक है, सेक्शन 1 का निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम है, सो हाफ ऑफ हाइट B1 प्लस B2, ठीक है। सो यहाँ पर हाफ ऑफ हाइट, यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हाइट हमें 4 है, ठीक है, B1 जो है 24 है और B2 जो है 16 है। सो यहाँ पर 21 आर 22 आर, सो यहाँ पर 2 आ गया आगे, इनको प्लस करेंगे ये बन गया 40, तो उसके बाद 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें जो है इसका एरिया निकला। सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन 2, जितना यहाँ पर एरिया निकला उतना ही यहाँ पर भी निकलेगा, ठीक है। सो सेक्शन का 2 का भी क्या आएगा, 80 सेंटीमीटर। उसके बाद अब इनका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 3 का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर हाफ ऑफ हाइट की जगह जो है यहाँ पर 4 ही है सेम, और यहाँ पर 28 है B1 और 20 जो है B2 है, तो यहाँ पर जो है 21 आर 22 आर, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर 48। उसके बाद जो है 28 आर 16, 1 यहाँ पर, 22 आर 4, ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्शन 4 सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन 4 वो क्या आएगा हमें, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।